वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत और पांच चेहरे, जिनमें ठाकुर कौल सिंह, आशा कुमारी, मुकेश अग्निहोत्री, सुधीर शर्मा, विक्रमादित्य सिंह, ये कांग्रेस के वो नाम हैं जिन्होंने वीरभद्र सिंह के निधन से ठीक पहले एकजुट कांग्रेस का संदेश दिया था और पांच ही उनका लकी नंबर भी था। मसला ये है कि एकजुट कांग्रेस में अब ये पांच चेहरे कांग्रेस का गणित बनाएंगे या वो पांच चेहरे, मसलन ठाकुर सिंह सुक्खू, रामलाल ठाकुर, जीएस बाली, हर्षवर्धन चौहान और रोहित ठाकुर। अब वीरभद्र सिंह, जिनका एक छत्र राज प्रदेश की राजनीति में था, के बिना कांग्रेस का स्वरूप क्या होगा, ये सवाल चर्चा में है और हर कोई पार्टी के भीतर होने वाली गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के अस्थि विसर्जन को पार्टी एक कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में करने जा रही है। कहीं ना कहीं हर चेहरा जो उनके निधन पर शामिल नहीं हो पाया, उनके लिए अंतिम श्रद्धांजलि का ये मौका अंतिम रहेगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये कार्यक्रम पार्टी के भीतर एक नए समीकरण बनाता भी दिख सकता है, जिसकी चर्चा 17 जुलाई को की जाएगी। वीरभद्र गुट एकजुट, तो क्या दूसरे धुरंधर भी होंगे एक साथ? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि ठाकुर कौल सिंह को मुकेश ने अपने साथ खड़ा करके सबसे सीनियर राजपूत नेता का साथ ले लिया है और उस समय से नए समीकरण बनना शुरू हो गए थे। एक और जहां एकजुट कांग्रेस का संदेश देने का प्रयास हाईकमान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांगड़ा और धर्मशाला की राजनीति उस प्रयास पर भारी पड़ी थी। ऐसे में अब नए समीकरण जो निकल कर सामने आएंगे, उसमें कांगड़ा, अगर चेहरों की बात करें तो महिला चेहरा एक ही पार्टी के पास है जो आशा कुमारी के तौर पर है, जो महिला भी हैं और राजपूत भी और राज परिवार से भी। बस उनके लिए महत्वपूर्ण है कि बनीखेत से जीत का मंत्र उनके पास होना चाहिए। इसी तरह हमेशा कांग्रेस की राजनीति करने वाला दूसरा चेहरा जो प्रदेश में संगठन में सख्त है, वो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनकी वजह से उनका संगठन में लगातार बनी रहना है और उसी वजह से पूरे प्रदेश में उनकी खासी पहचान भी है। सुक्खू अपने तरीके से समय समय पर प्रदेश के दौरों पर रहते हैं और विधायकों में भी उनकी पकड़ है। ठाकुर कौल सिंह को अब मुकेश और सुधीर के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, तो रामलाल ठाकुर लगातार दिल्ली की राजनीति के माध्यम से पद लेने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। जीएस बाली वरिष्ठ नेताओं में से एक, मतलब ठाकुर कौल सिंह के समक्ष, लेकिन कांगड़ा के गुटबाजी और उस गुटबाजी में उन्हें कांगड़ा का ही समर्थन नहीं मिलना है। पिछली हार का कारण भी गुटबाजी ही रहा था, लेकिन पार्टी का मजबूत चेहरा है जो समीकरण अपने पक्ष में बदलने का दम रखते हैं। अंतिम नाम सुधीर शर्मा का है, लेकिन यहाँ की गुटबाजी या कहें कि बाली के साथ राजनीतिक लड़ाई खत्म होती नजर नहीं आ रही है, जिसको हवा धर्मशाला का वो डिनर दे गया जिसमें मुकेश सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन सुधीर पार्टी के डार्क हॉर्स भी हैं, जो कब क्या ट्विस्ट ले लेंगे इसका पता लगाना मुश्किल रहता है। लेकिन इन सबके बीच में विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह अब कांग्रेस में किस भूमिकाओं में रहेंगे, हाईकमान क्या फैसला लेता है और वीरभद्र कैंप कितना एकजुट होता है, ये सब आने वाला समय बताएगा। और क्या एकजुट कैंप पार्टी के भीतर की गुटबाजी को खत्म कर पाएगा, इन सब राजनीतिक घटनाओं के लिए ANV News चैनल पर बने रहे।